ओके तो लास्ट क्लासेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और डिस्कस किया था एक्सेल के कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जो हमने एडवांस चीज़ें यूज की उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस किया था। और उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली? यस तो एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर। पूछिए। दिखाना चाहते हैं आप? ठीक है, अभी मैं अपने पिक्चर बनते हूँ। हाँ दिख रहा है, बताइए। ओके तो आपने जैसे उसे बताया था ना मुझे कि ये फॉर्मूला और मॉड यूज करते हैं जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये था कि जब मैं ये मुझे ये इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लिया राइट ये ऐप पर तो इसका जो रो नंबर है कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एवरी फोर्थ एट रो नहीं है क्योंकि मुझे ऊपर ये हेडर्स डालने होते हैं। अरे दो प्लस हो जाएगा ना फिर इसमें, तो ये हेडर्स की वजह के लिए हर दो प्लस हो जाएगा, हर तीसरा रो चाहिए ना आपको। ये एट्थ रो है। हाँ तो वो बता तो रहा हूँ ना कि आप तीन में प्लस कर दीजिए ना आप टू। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ दो रो आपका एक्स्ट्रा है ना, दो प्लस करते चले जाइए। हाँ रो उसमें रो, हाँ नीचे कीजिए उसके बाद प्लस टू कर दीजिए उसमें। तो ये बस सेवेंथ और टेंथ है। हाँ सेवेंथ और टेंथ, नहीं आप दो माइनस कीजिए तो तीन का आ गया, तीन का मिनट। तीन का मल्टीप्लिकेशन आ गया ना आपको, ठीक है। और कुछ पूछना है? थोड़ा सा ट्रिक्स लगाने पे आपको आगे सब चीज़ें समझ में आ जाती है, थोड़ा सा ट्रिक्स अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है प्रोटेक्शन मेथड। तो प्रोटेक्शन मेथड आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे। एक छोटा सा डेटा ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में कोई भी किसी तरह का चेंजिंग ना कर सके, तो उस केस में मैं राइट क्लिक करूँगा, प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा और यहाँ पे हम पासवर्ड अप्लाई कर देंगे। पासवर्ड कंफर्म कीजिए। लेकिन पासवर्ड को कंफर्म करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जो है
पासवर्ड उसी तरह से चलेगा जो इस पर याद रख सके आप, क्योंकि पासवर्ड एक बार भूल जाते हो तो पासवर्ड रिकवर करने का सिस्टम एक्सेल के पास नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप डेटा को कॉपी तो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं डेटा मेरा कॉपी ना हो, तो कॉपी के रोकने के लिए हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, लेकिन कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है सिलेक्शन। तो उस केस में अगर हम बात करें प्रोटेक्ट शीट जब हम करते हैं तो यहां पे नीचे देखते हैं अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, हम यूजर को अलाउ करते हैं कि वर्कशीट में ये सारे काम वो कर सके। तो क्या कर सके, तो सिलेक्ट लॉक से अनलॉक लॉक से, तो अनलॉक अनलॉक के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको इतना तो पता चल जाता है कि ये जो मतलब कि ये है मतलब कि ये सिलेक्शन करने का अथॉरिटी है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो क्या होगा कि पासवर्ड डालने के बाद कोई सिलेक्शन नहीं बना सकता, तो सिलेक्शन मतलब कहीं भी क्लिक नहीं कर सकता, अगर कहीं क्लिक नहीं कर सकता तो कॉपी नहीं कर सकता। तो कॉपी करने के लिए सिलेक्शन का जरूरी है, सिलेक्शन बिना सिलेक्शन में कॉपी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हमने कर दिया। अब चलिए आगे करते हैं, एक एरिया है, हम चाहते हैं कि इस एरिया को कोई भी इसमें इस एरिया पे मतलब कि बाकी जगह पे टाइप करे, इस जगह पे टाइप ना करे। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अब बात करेंगे लॉक अनलॉक से। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं शीट, तो प्रोटेक्ट करते समय शीट ऊपर लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ लॉक से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉक्ड सेल है उसी में हमारा टाइप होता है, अनलॉक सेल में हमको टाइप नहीं होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब लॉक अनलॉक सेल के बारे में जानते हैं कि लॉक सेल और अनलॉक सेल क्या होता है। हेलो, मैं दूसरा मेल किया उस पर कीजिए, दूसरा जो मेल मैंने भेजा हुआ ना, दो मेल भेजी मैंने आपको, हाँ दूसरा मेल किया, ओके ठीक, ओके नहीं एक और भेजा हूँ सर, देखिए उसी में होगा, दो मेल हो मिल गया ना, मैं दोबारा भेज देता हूँ आपको, एक नहीं नहीं एक मिनट को आपको अब नहीं गया, उस किसी और को भेज दिया था मैंने, अभी मैं भेज रहा हूँ आपको, दो मिनट में, ठीक है। तो लॉक सेल और अनलॉक सेल के बारे में हम बात करेंगे कि लॉक सेल क्या होता है और अनलॉक सेल क्या होता है। तो मतलब कि बाय डिफॉल्ट हर एक सेल आपका लॉक सेल होता है, ये कैसे पता चलेगा, हर सेल पे अगर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहाँ प्रोटेक्शन में आपको लॉक पे क्लिक होता है, मतलब कि ये लॉक सेल, तो जिसके प्रोटेक्शन पे क्लिक है उसको लॉक सेल कहते हैं।
ठीक है, अगर मैं हटा दूं तो अनलॉक सेल होगा। तो डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक सेल है, मुझे सिर्फ इतने एरिया पे चाह रहा है टाइप करवाना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको यहाँ से लॉक हटा दिया, तो ये क्या हो गया, अनलॉक सेल हो गया, इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक हो गई है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर प्रोटेक्ट शीट करूँ तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट जो आता है कंटेन जो है वो किसके लिए है, लॉक के लिए। अब मैं पासवर्ड डाल दूंगा तो क्या होगा कि मैं इस पर टाइप कर पाऊंगा बट इस पर टाइप नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल कहूँ कि मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, ये हमारा रेड एरिया है, हम चाहते हैं कि जो रेड एरिया है उस पे हमारा टाइप ना हो, बाकी सेल पे टाइप हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, वो फॉर्मेट सेल पे जाएंगे और यहाँ से लॉक को हटा देंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ कि इंक्लूड दिस रेड एरिया एवरी सेल आज आर जो है लॉक्ड हो गया हमारा। ठीक है, हर एक सेल हमारा लॉक सेल हो गया। सर मेल मिल गया आपको? नहीं, अभी आपको जो मेल भेजा हूँ अभी जस्ट वो मिला आपको, क्या बता रहा है उसमें? नहीं, आपने मीटिंग आईडी क्या आ रहा है मेल पे, 468 468-899-901। लिंक जिस पे क्लिक, जिस पे आप लिंक, तो उसमें लास्ट के जो 9 डिजिट का जो नंबर है ना उसको चेंज कर दो, कॉपी करके पेस्ट कीजिए। हाँ, लास्ट के जो नंबर है वो चेंज कर दो। उसमें लिखिए 468 ये जो लिंक है, लिंक पे क्लिक किया आपने, जो लिंक है जिस पे क्लिक करते हो उस पे क्या है, उस लिंक में लास्ट में नंबर नहीं है। एक मेरा एक मिनट, नहीं नहीं जो आप सिट्रिक्स डॉट करके मेल आया लिंक है ना, मैं सिट्रिक्स अरे सर सिट्रिक्स डॉट गो टू मीटिंग करके आपके पास मेल पे लिंक नहीं आया है। हाँ, तो उस पर लास्ट में 9 डिजिट का नंबर नहीं है।
एक बार मैं दोबारा आपको दोबारा मेल कर रहा हूँ, ठीक है? अभी जस्ट मेल कर रहा हूँ। आप पुराना मेल जो है ना, जो अभी भेजा था शायद, उसी पे कर रहे हो आपका। उसमें मेल, आप मेल खोलिए, मेल में जो एक मीटिंग आईडी करके लिखा आ रहा हो, आईडी क्या बताएंगे? हाँ, तो गलत मेल है ना, वो पुराना मेल है। उसमें देखिए नीचे और मेल होगा आपके पास, 4688899 करके होगा। फोर सिक्स एट एट डबल नाइन, नहीं, एट डबल लास्ट में 901 है। आपके पास जो सिट्रिक्स का, एक काम कीजिए, आप गो टू मीटिंग पे वेबसाइट ओपन कीजिए, GoToMeeting.com, GoToMeeting.com। GoToMeeting.com, TooMeeting.com, GoTo Meeting.com। उसमें देखिए ज्वाइन है मीटिंग होगा कहीं पे। उस पर क्लिक कीजिए। उसमें मीटिंग आईडी मांग रहा है, लिखिए 4688899, 899। नाइन जीरो 901। ज्वाइन पे क्लिक कर दीजिए। कनेक्ट होगा, आगे होगा, जो प्रोसीजर मांगेगा उसको फॉलो कर दीजिएगा। ना बाद में नाम और मेल आईडी मांगेगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है? सॉरी सर, सॉरी हेमलता जी। पता नहीं एक्सेल भी हैंग हो गया मेरा। अब सही है। ओके तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आईडी है यहाँ, ये जो हमारा एरिया है, रेड एरिया है, मैं चाहता हूँ कि ये एरिया हमारा प्रोटेक्शन के अंदर में रहे, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर रहे। तो उस केस में क्या करेंगे? उसको अनलॉक करना है राइट, और फिर प्रोटेक्ट करना है शीट को। हाँ, उसके बाद पूरे सीट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको करेंगे फॉर्मेट सेल, और इसको हम कर देंगे प्रोटेक्शन से अनप्रोटेक्ट। और फिर जो है हम इस पूरे एरिया को वापस सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और इसको वापस लॉक लगा देंगे, ठीक है? योगेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, ओके। तो लाइन पे बने रहिए। हाँ ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ जी हाँ जी। तो इसमें हम पासवर्ड डाल देंगे,
इससे क्या हुआ कि मुझे अभी इस पे टाइप नहीं होगा, बाकियों पे टाइप होगा। अब चलिए इन दोनों की मदद से हम एक नया चीज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम फिर मैंने यहाँ दे दिया रोल नंबर, और फिर यहाँ पे दे दिया मार्क्स। तो प्रोटेक्शन मेथड के जरिए हमें क्या करना है कि हमें करना है कि हम इस रेड एरिया पे ही, इस जो रेड एरिया है, हम सिर्फ इस रेड एरिया पे ही हम, एक अंदर जी आप म्यूट कर लीजिए, आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, जब कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। बोले शोर आ रहा है, शोर नहीं, नहीं 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 आप जब हाँ, तो यहाँ पे जो है ना, मैं चाहता हूँ कि जब मैं क्लिक एंटर मारूँ तो मेरा कर्सर नीचे ना आके यहाँ पे जंप करे, फिर यहाँ पे जंप करे। हम इन तीनों के अलावा, इन तीनों के अलावा हम कहीं और क्लिक भी नहीं करना चाहते हैं। और फिर कहीं पे मैं इसका ए भी नहीं करना चाहता हूँ, मतलब कि इस टाइप भी इन तीनों पे हो और हमारा क्लिक भी इन ही तीनों पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल प्रेस करके हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ से हम लॉक को हटा दिए, क्योंकि लॉक हटाने से क्या होगा, इस पर टाइपिंग हो पाएगी, अगर लॉक लगा रहता तो टाइपिंग नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, और फिर ओके किया। और फिर इसमें जब हम पासवर्ड, अभी क्या है कि अगर सिर्फ पासवर्ड डाल दें तो क्या होगा कि जो हमारा कर्सर है वो इससे इस इन तीनों पे बाकी जगह भी होगा, लेकिन यहाँ पे अलाउज देख रहे हैं, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल बताया था कि हम कॉपी हमने रोक दिया था, हमने कॉपी नहीं कर पाए थे, तो उस केस में हमने क्या किया था, तो उस केस में हमने दोनों हटा दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं एक हटाऊंगा, मैं बोलूँगा सिर्फ सिलेक्ट लॉक सेल को हटाए और अनलॉक सेल, मतलब कि जो अनलॉक सेल है उसको सिलेक्शन में रखेगा, जो कि आपका ये है रेड वाला, रेड वाला, तो उसी को रखेगा। अभी क्या होगा कि अब मैं ओके कर देता हूँ, अब मैं इन तीनों के अलावा कहीं और एंटर मारूंगा तो कर्सर मेरा नहीं मूव होगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों पे ही टाइप कर पाऊंगा। योगेंद्र जी समझ में आया आपको ये चीज? अब इसका एक अनोदर एग्जांपल बताऊं तो एक अनोदर एग्जांपल है मेरे पास, जैसे कि हम लोग डेटा एंट्री करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया नेम, इसका यूज क्या है, यूज बता रहा हूँ आपको, क्वांटिटी MRP, और हमने यहाँ पे लिखा अमाउंट, फिर हमने लिखा टैक्स, फिर लिखा कमीशन, फिर टोटल, और फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ उदय, क्वांटिटी 50 है, एम आर पी 20 हो गया। अमाउंट के लिए मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे ये लगा देते हैं, फार्मूला लगाते हैं। फिर टैक्स हम इसका 14% निकालते हैं, या जो भी आपका टैक्स परसेंटेज है, और कमीशन हम 2% निकालते हैं, किसका 1700 का। और फिर इन दिनों को हम टोटल कर देते हैं, प्लस कर देते हैं टोटल हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर अपना डेट एंड टाइम लिखते हैं, डेट एंड टाइम। और ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे डेटा एंट्री करना होता है, जैसे मैंने नया डेटा एंट्री किया तो मैंने लिखा यहाँ पे टीना, यहाँ पे किया और यहाँ पे मैंने नंबर डाला, यहाँ पे नंबर डाला, और फिर जो है मुझे ये चार सेल आने के बाद फिर यहाँ मुझे डेट एंड टाइम हमें डालने पड़ते हैं। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ कि जो चार हमारा जो ये 4 सेकेंड हर एंट्री में बर्बाद होता है, ये 4 सेकेंड हमारा एंट्री में बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में मैंने क्या किया कि पूरे के पूरे शीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में गया, इसको मैंने कर दिया लॉक, हटा दिया, अनलॉक्ड कर दिया। और लेकिन जो हमारा ये जो फॉर्मूला वाला एरिया है, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और इस पर वापस हम लॉक लगा दिया। अब हम इस पर पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मैंने पासवर्ड डालते समय एक गलती कर दी। हमें पासवर्ड जब हम डालेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और दूसरा सिलेक्ट लॉक सेल को हटा देंगे। पासवर्ड हम कंफर्म करेंगे एंड ओके। अभी जो हम एंटर करेंगे यहाँ पे, अभी देखिए कैसे होगा। यहाँ होगा उदय, हमने उदय को एंटर किया, नंबर डाला, ए नंबर डाला, और सीधे जब मैं टैब मारूंगा तो कर्सर मुझे जाके यहाँ रुकेगा। इससे क्या हुआ कि हर एंट्री में मेरा जो है एक टाइम बच गया, मतलब कि 4 सेकेंड बचा। दूसरा, इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगा हुआ वो देख भी नहीं सकता मैं, योगेंद्र जी बताइए, कोई डाउट आपको? योगेंद्र जी, चीजें समझ में आ गई चीजें? योगेंद्र जी, मैं सुन नहीं पाया, ये चीज़ समझ में आई आपको? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि इसमें जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, ये जो आपको बताया मैंने, इसको हम कॉपी करके कहीं और ले जा सकते हैं, पेस्ट करें, तो वहाँ पे आप देखोगे तो फॉर्मूला देख पा रहा है। मैं चाहता हूँ जो फॉर्मूला है ना, ये कोई ना देख पाए। उस केस से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा हिडन होता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये कोई यहां पे हिडन जब करोगे, ओके करोगे, लेकिन आपको पासवर्ड हर किसी में डालना है। जब सीट को आप प्रोटेक्ट कर दोगे पासवर्ड डाल के, उसके बाद यहां पे कोई कर्सर रखेगा तो देखो यहां पे फॉर्मूला नहीं दिखेगा। एटलीस्ट वो कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी करेगा ना, तो वहां भी उसको कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा, पेस्ट एज ए वैल्यू होगा हमेशा। तो किसी भी कंडीशन पे हमारा फॉर्मूला नहीं जाएगा। तो फॉर्मूला हाइड करने का है, आप राइट क्लिक कीजिए, फिर सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्शंस में जाइए, और प्रोटेक्शन में जाने के बाद जो है आप उसमें ये डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, हाइड करके पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, आया समझ में? अब बारी आती है कि मैं चाहता हूं कि एक ही सीट में दो अलग अलग पासवर्ड लगाना। एक अंदर से आपको समझ में आ गया ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? उसके बाद यहाँ पे हम जो है इस पर क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूँ इसका अलग पासवर्ड हो, इसका अलग पासवर्ड हो, इन दोनों पे हमें टाइप करना है, बाकियों पे टाइप नहीं करना, लेकिन इन दोनों पे टाइप करने का कंडीशन ये है, रखना ये चाहता हूँ मैं कि हर कोई इस पर टाइप ना कर सके। ठीक है,
तो उस केस में हम रिव्यू के अंदर जाएंगे, हमारे पास होता है अलाउ यूजर एडिट रेंज। हम एक एक रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अलाउ यूजर एडिट रेंज न्यू पे करेंगे और यहाँ अपना पासवर्ड डालते चले जाएंगे। इसका पासवर्ड हमने डिफेंड डाला, अप्लाई कर देता हूँ, फिर न्यू पे क्लिक किया, इस पे आया, इसको डिलीट करते हैं रेंज को, और फिर रेंज को हम इसमें हम दूसरा पासवर्ड डाल देते हैं, दूसरा सेलेक्ट किए और हम इसमें दूसरा पासवर्ड डाल देते हैं, इसका पासवर्ड अलग है। उसके बाद अप्लाई करते हैं, अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल चाहे कोई भी फंक्शन कीजिए, एप्लीकेबल तभी होगा जब आप इसमें क्या डालिएगा, पासवर्ड, कौन सा सीट का पासवर्ड, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए, अगेन पासवर्ड डालिए एंड ओके कीजिए। अभी देखिए मैं कहीं और टाइप नहीं कर सकता, लेकिन यहां पे टाइप कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो मैं इसका पासवर्ड डाल दिया तो मैं सिर्फ इसी पे टाइप कर पाऊंगा, यहां भी नहीं कर पाऊंगा, और मैं येलो एरिया पे जाऊंगा तो इसमें दो अपना उसका अलग पासवर्ड मांगेगा। तो एक ही सीट पे दो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे दो डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अगर आपको एंट्री करवाना चाहते हो, आप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे की एंट्री ना कर पाए, तो उस केस में आप इस मेथड पे यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, समझ में आ गया? आपको समझ में आया योगेंद्र जी? डाउट तो नहीं है ना? उसके बाद इसमें हाँ दो लिंक पर जो आपने बताया, जैसे कि आपने बताया कि जो ये ऑरेंज वाला है इसमें मैं जो भी टाइप करूंगा डाटा वो ग्रीन वाले में आ जाएगा अपना। हाँ नहीं 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 मैंने आपको ये बताया कि दो अलग अलग एरिया है इस पे, मतलब कि दोनों में हमने पासवर्ड डाल दिया है, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड, मतलब कि दो बंदों से मुझे एंट्री करवानी है, एक बंदा मिस्टर राम, एक बंदा मिस्टर श्याम है। राम यहाँ पे आ गया आपका राम, ये हो गया आपका श्याम। मैं चाहता हूँ कि राम जो है वो श्याम पे एंट्री ना कर पाए, श्याम है और राम पे एंट्री ना कर पाए, तो राम का पासवर्ड दे दिया, श्याम को श्याम का पासवर्ड दे दिया, राम एंट्री करेगा पासवर्ड डालेगा। अगर राम चाहेगा इस पर एंट्री करना तो इसका अलग पासवर्ड होगा, ऐसे श्याम इस पर करना चाहेगा इसका अलग पासवर्ड होगा। इसका यूज मैंने जो यूज किया था, हाँ इसका जो हम लोग इसका एंट्री हम लोग यूज करते थे, वो यूज करते थे वहाँ पे, कहाँ पे, जब हम एक कॉल सेंटर में काम करते थे वहाँ पे एक जगह पे तीन टीम काम करती थी। पहले टीम कॉलिंग करती थी, पीटीपी लेती थी, दूसरी टीम फील्ड के बंदों का साइन करती थी कि इस कस्टमर से ये बंदा कलेक्ट एक पैसा कलेक्ट करने जाएगा, तीसरी टीम कितना पैसा कलेक्ट होके आ गया उसकी उसकी जो स्टेटमेंट लगती थी। तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डेटा को चेंज कर देता था, फिर वो क्या होता, तीन अलग डेटा हमारे पास आते थे तो हम उसको कंपाइल करना और उसको मैप करना मुश्किल हो जाता था। तो हमने एक ही फाइल रखा, उस फाइल में हमने तीन अलग अलग जहाँ जहाँ जो टीम ए है, जो हमारी कॉलिंग टीम थी, जो एंट्री डेटा एंट्री करती थी उसको हमने पासवर्ड प्रोटेक्ट करके कोई और पासवर्ड दे दिया, दूसरी टीम कोई और पासवर्ड दे दिया, तीसरी टीम कोई और पासवर्ड दिया। तो उससे क्या हुआ कि जिसको जो चेंज करना है वहीं तक चेंज कर पाता था, बाकी जगह पर जाते पासवर्ड मांगता था। ठीक है वेंद्र जी? तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो प्रोटेक्शन में और भी कुछ चीज़ें हैं लेकिन टाइम की कमाई है, मैंने 7 बजे का टाइम किसी को दे दिया है तो